हिमाचल में यातायात नियम और कानून सिर्फ आम जनता के लिए हैं और इसे तोड़ने पर या तो गाड़ी जब्त होती है या भारी भरकम जुर्माना अदा करना पड़ता है, लेकिन शायद ये निगम और कानून प्रदेश के उच्च अधिकारियों पर शायद लागू नहीं होता। ऐसा ही कुछ सोलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में देखने को मिला, जहाँ एक के बाद एक कई वीआईपी वाहन निकले लेकिन सभी यातायात नियमों की अवहेलना ही करते नजर आए। किसी ने भी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं डाली थी और ये नहीं कि इसकी खबर पुलिस अधिकारियों को नहीं थी। पुलिस अधिकारी खुद गाड़ियों के आगे सल्यूट बजाते नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आवाम पर नियमों और कानून का ही डंडा क्यों चलता है और उन्हें ही हमेशा टारगेट का निशाना क्यों बनाया जाता है और वीआईपी लोगों को देखकर अक्सर नियमों को लचीला क्यों कर दिया जाता है। वही दूसरी ओर आम आदमी को थोड़ी सी गलती करने पर भी उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं।